स्किल्स फाउंडेशन ने हमारे इमोशनल रूम है वो बनवाए हैं बच्चों के लिए। उन्होंने नुक्कड़ नाटक वगैरह यहाँ पे किया जो HCL ने स्मार्ट क्लास लगाई है, उसके बाद से बच्चे काफ़ी संख्या बढ़ी है स्कूल में। उन्हें लगता है कि कुछ नया हमारे स्कूल में हुआ है तो उसको हम देखें, उससे हम सीखें। नोएडा में HCL फाउंडेशन ने पुलिस के साथ मिलकर बेघर बच्चों की शिक्षा के लिए नन्हे परिंदे पहल शुरू की है। ये पहल लगभग 1500 बच्चों तक पहुंचेगी। HCL उदय प्रोग्राम के अंतर्गत 5 मोबाइल शिक्षा बसें 3 साल के लिए जगह जगह गरीब बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने में मदद करेंगी। प्रत्येक वैन में LCD स्क्रीन के साथ ही 2 अध्यापक और शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध रहेगी। स्मार्ट क्लासेज में 30 बच्चों को एक साथ पढ़ाया जा सकेगा। किसी भी प्रकार की रुकावट या बाधा उत्पन्न करने वाले के खिलाफ स्थानीय पुलिस द्वारा कार्यवाही की जाएगी। Posing distinct challenges, especially for the vulnerable groups such as women, children and the old. नोएडा पुलिस HCL फाउंडेशन के कोलैबोरेशन में और चेतना NGO के साथ मिलके एक इनिशिएटिव हम लोगों ने शुरू किया है जिसका नाम नन्हे परिंदे है। इस इनिशिएटिव में जो छोटे बच्चे हैं, जुविनाइल्स हैं, रोड पे रहते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन कैटेगरी के हैं, उन्हें अपनी आजीविका का भी कोई साधन नहीं है और रैग पिकिंग वगैरह में उन्हें फॉर्मल एजुकेशन HCL फाउंडेशन द्वारा दी जाएगी। वो कुछ बसेस रोल आउट करेंगे। जनवरी 1st वीक में HCL फाउंडेशन ने टारगेट रखा है कि तब से वो कुछ बसेस रोल आउट करेंगे जो ऐसे एरियाज़ हैं जो इस चीज़ से अफेक्टेड हैं, वहाँ पे वो बसेस जाएंगी और टेबल चेयर बाकायदा उनकी होगी, खाने के लिए कुछ कुछ मटेरियल देंगे, कुछ वो टीचर्स रखेंगे और उन्हें एजुकेशन दी जाएगी। इससे उन बच्चों के भविष्य के लिए, उन बच्चों के न्यूट्रिशन के लिए, एजुकेशन के लिए तो फ़ायदा होगा ही। जो बच्चे असामाजिक गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं, क्राइम में लिप्त हो जाते हैं, वो भी उसमें लिप्त ना होके और उनका भी ध्यान रखा जा सकेगा, वो ऐसी असामाजिक गतिविधियों में लिप्त ना हो, इससे क्राइम भी निश्चित रूप से कम होता है होगा। बहुत सारी ऐसे क्राइम हैं जिसमें जुविनाइल्स जो हैं उनका काफ़ी संलिप्तता पाई जाती है। जैसे नोएडा में गाड़ी में शीशा तोड़ के चोरी हो जाती है, हम लोगों का अनुभव कहता है कि उसमें बहुत सारे ऐसे अभियुक्त पकड़े जाते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं। जो वाहन चोरी है, जो और छोटी छोटी चोरियां हैं, ऑटो टेम्पो से, बसेस से चोरी कर लेना, उसमें भी जुविनाइल्स पाए जाते हैं। तो ऐसा इनिशिएटिव HCL फाउंडेशन के साथ हम लोग ले रहे हैं, इससे निश्चित रूप से क्राइम कम होगा और HCL फाउंडेशन ने हम लोगों को इसमें पूरा सहयोग प्रदान किया है और वो बड़े स्तर पर इसे स्पॉन्सर कर रहे हैं। सर, जो अपराध में शामिल बच्चे उन्हीं को टारगेट किया जाएगा कि सामान्य कोई? सभी को इसमें टारगेट किया जाएगा। जो बिलो पॉवर्टी लाइन बच्चे हैं उन सभी को टारगेट किया जाएगा। जुविनाइल क्राइम तो इसका एक हिस्सा है, टारगेट तो इसमें सभी को किया जाएगा। सर, पुलिस टीम्स का भी कोई रोल रहेगा इसमें? इसमें पुलिस टीम्स का रोल रहेगा, हम लोग उन्हें सुरक्षा प्रदान करेंगे। जो HCL फाउंडेशन की टीम्स होगी उनके साथ कुछ पुलिसकर्मी लगाए जाएंगे जिससे सुरक्षा की भावना उसमें रहे, बच्चों की काउंसलिंग भी जिससे की जा सके। जो गाड़ियां हैं उन्हें उनकी पार्किंग की व्यवस्था कराएंगे, वो सुरक्षित रहें इसकी व्यवस्था कराएंगे। ये जो यहाँ पर एक विशेष MOU साइन हुआ है, जैसा कि श्री वैभव जी ने अभी बताया आपको कि ये एक बहुत यूनिक कदम है जहाँ पुलिस और CSR पार्टनर्स मिलकर, जिसमें HCL फाउंडेशन ने ये एक मैकमी की पुलिस के साथ हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है। वैसे तो गौतम बुद्ध नगर एक बहुत अच्छा शहर है, लेकिन आपने देखा होगा कि काफ़ी बच्चे दिखते हैं स्ट्रीट्स पर, हेडलाइट सिग्नल्स पर, जो शिक्षा की मुख्य धारा से छूटे हुए हैं। HCL फाउंडेशन पहले से ही काम कर रहा है, यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी हमारे MOUs हैं जिसमें हम सरकारी स्कूलों के साथ काम कर रहे हैं, और एक हमारी परियोजना चलती है जो स्लम्स में चलती है, जिसको हम गुरुकुल कहते हैं, जहाँ बच्चे आते हैं, जो बच्चे शिक्षा किसी न किसी कारण से, अपनी गरीबी के कारण से या फिर कहें अपनी सर्कमस्टांसिस के कारण से या इरेलेवेंट शिक्षा जो कभी कभी हो जाती है, उनके साथ कोई ना कोई इस तरह का काम हो जाता है कि वो बच्चे छूट जाते हैं, वंचित रह जाते हैं, उनको हम जोड़ने का काम कर रहे हैं। स्कूलों में लगभग 15,000 बच्चों के साथ हमारा काम चल रहा है।
स्लम्स में लगभग 8,000 बच्चे जिनको हम कॉन्टैक्ट प्रोग्राम्स और गुरुकुल्स के माध्यम से जोड़ रहे हैं। आज ये जो एक यूनिक स्टेप है ये उन बच्चों को जोड़ने के लिए है जो कई बार वो इतने भी सौभाग्यशाली नहीं होते हैं कि उन्हें किसी भी तरह का शेल्टर हो। ज़्यादातर समय जिनका सड़क पर बीतता है, रेड लाइट सिग्नल्स पर बीतता है, किसी भी तरह की स्वास्थ्य की, शिक्षा की, स्पोर्ट्स की उनको सुविधा नहीं मिल पाती है। तो नोएडा पुलिस के साथ मिलकर आज ये एक ऐसा पहल मैं कहूँगी जो ली गई है जो बहुत अलग है, यूपी में इस तरह का एग्जाम्पल शायद ना हो, जिसमें कि हम लोग जगह जगह ये मोबाइल वैन चलेगी और इसका एक नाम रखा गया है नन्हे परिंदे, जिसमें बच्चे जुड़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हम इसमें बच्चों को जोड़ेंगे। अभी हमारा 5 ऐसी मोबाइल वैन्स का कमिटमेंट है, आगे चलकर यदि ज़रूरत होगी तो हम बढ़ाएंगे, लेकिन इसमें हम कोशिश ये करेंगे कि बच्चे ऐसा ना हो कि केवल वैन के स्कूल तक ही सीमित रह जाएं या इस चलती फिरती पाठशाला के स्कूल तक ही सीमित रह जाएं, उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा जिससे कि ये बच्चे फॉर्मल स्कूल में आकर फॉर्मल स्कूलिंग लें और जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खो जाते हैं, केवल पैसे कमाने की ज़िंदगी में खो जाते हैं और उन्हें छोटी उम्र में कई बार गलत रास्तों का भी उपयोग करना पड़ता है, वो उससे बचें और उनको एक बेहतर बचपन मिले। मैं बताना चाहूँगी कि HCL फाउंडेशन का 18 स्टेट्स में ऑलरेडी काम चल रहा है। चेन्नई में स्पेशली हमारा पुलिस के साथ और एक ऐसा कार्यक्रम है जहाँ पुलिस चिल्ड्रंस क्लब, हम 30 से लगभग ऊपर पुलिस चिल्ड्रंस क्लब सपोर्ट करते हैं। HCL फाउंडेशन इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पार्टनर विद पुलिस और इसमें जो एक यूनिक बात है जो श्री बापू जी ने अभी बताया कि इसमें पुलिस ने इक्वल अकाउंटेबिलिटी ली है कि वो एक सुरक्षा कवच पूरा इसमें प्रदान कर रहे हैं जो एक विशिष्ट मॉडल है भारत में और हमारे बच्चों को इसकी ज़रूरत है। मैम बस में क्या क्या फैसिलिटीज़ होंगी? उसमें स्क्रीन होगा, स्मार्ट स्क्रीन होगा पढ़ाने के लिए बच्चों को, डिजिटल एजुकेशन होगी, ऐसी बस होगी कि जो खुलेगी और बाहर फर्नीचर भी उसमें से रहेगा, चाइल्ड फ्रेंडली फर्नीचर रहेगा, बच्चों के खेल की व्यवस्था होगी इंडोर एंड आउटडोर। कभी कभी हम उसको कोशिश करेंगे कि स्पोर्ट्स ग्राउंड के पास जैसे जैसे हमें परमिशन मिलती जाएगी, क्योंकि उनमें भी बच्चों की हमें परमिशन लेनी होती है पेरेंट्स के साथ में, क्योंकि ये कार्यक्रम पुलिस के साथ में है तो हमें पूरा विश्वास है कि इट विल बी अंडर फुल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी और बच्चों की हम एजुकेशन पे पूरा ध्यान। नोएडा में भी स्टार्टिंग में कहां कहां पर किया जाएगा? शुरू में हम कोशिश कर रहे हैं सेक्टर 18, 72, 62 लिंक रोड और जहां पर ये बच्चे होंगे, क्योंकि इसमें उद्देश्य ये नहीं है कि बच्चे हम तक चलकर आए, इसमें उद्देश्य ये है कि हम उन बच्चों तक पहुंचे पहले और फिर उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से। वैन आपकी एक जगह जाएगी, उसके बाद बच्चे कैसे पता चल पाएगा? इसमें एक शेड्यूल रहेगा, इसमें एक शेड्यूल रहेगा। हमारे ऑलरेडी कुछ कॉन्टैक्ट प्रोग्राम्स इस तरह के चल रहे हैं बच्चों के साथ में, गुरुकुल के फॉर्म में चल रहे हैं, जिसमें हम लोग जहां बच्चे होते हैं वहां पर उनको पढ़ाते हैं। इसमें एक टाइम टेबल फॉलो किया जाएगा, वीकली रोस्टर होगा और ज़्यादातर हमारा एक्सपीरियंस कहता है इसमें हम चेतना एनजीओ के साथ में जुड़ रहे हैं जो काफ़ी समय से इस क्षेत्र में काम कर रही है, हम लोग भी काम कर रहे हैं कि बच्चे पहचान जाते हैं, बच्चे जानते हैं और वो हमसे ज़्यादा याद रखते हैं कि अब वैन का आने का समय हो गया है। और 3 से 4 घंटे का कवर एक रहेगा जिसमें उनको शिक्षा प्रदान की जाएगी। उन बच्चों को चुना जाएगा जिनका साइंस में इंटरेस्ट है या स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है या कहें डिजिटल लिटरेसी में, उनकी इंटरेस्ट के माध्यम से फिर हमें उन्हें और फैसिलिटीज से भी जोड़ेंगे। शुरू में आप देखेंगे काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो केवल एक समय का खाना खाने के लिए उन्हें काफ़ी मुश्किल हालातों से गुजरना पड़ता है, तो न्यूट्रिशन भी इस पे प्रोवाइड किया जाएगा और ये बच्चे एक जगह बैठने के आदि नहीं होते हैं, तो जो शुरुआती दौर में जो कार्यक्रम चलता है उन्हें इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए कि जिससे वो आए और जुड़ना शुरू करें, जब उनका जुड़ाव बढ़ता जाएगा तो उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कार्यक्रम आगे चलेगा। एक दिन में एक बस कितनी जगह पर क्लासेस देगी? एक दिन में हम लोग 2 जगह की कोशिश करेंगे और यदि हमें इवनिंग में सहूलियत होती है तो हम उसकी एक्सटेंड कर देंगे शिफ्ट शाम का भी।